समाज में देश के संविधान के हिसाब से हमें अलग अलग तरीके के राइट्स दिए गए हैं, जिससे कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने जीवन को यापन कर सके। लेकिन इसी क्रम में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके लिए लोगों की प्राइवेट लाइफ मैटर नहीं करती है। वो जो करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, वही करते हैं, चाहे वो एक आम नागरिक के लिए हो या फिर किसी सेलिब्रिटी के लिए हो। आजकल ऐसा ही कुछ न्यूज में भी चल रहा है। सुष्मिता सेन आज काफी तेजी से चर्चा में है अपने रिलेशनशिप को लेकर, और लोगों द्वारा वो बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। तो इसी से संबंधित चीजें आज हम आपको सुनाते हैं और बताते हैं। मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया था, तब भी मैं खुश हूं, यहां तक कि चोरी की रिपोर्ट तक नहीं की। जिसने भी मेरा क्रेडिट कार्ड चुराया था वो मेरी पत्नी से कम खर्चीला है। एक वक्त पर दुनिया के नंबर वन टेनिस प्लेयर रह चुके एलिए नस्तासे ने साल 2012 में जब ये बात कही थी तो वो हंस रहे थे। हंसी हंसी में ही उनकी ये बात ट्विटर पर घूमने लगी और पुरुष लगे अपना अपना दर्द बांटने, साझा दर्द करने। महिलाएं गोल्ड डिगर होती हैं, ये बात इतनी बार दोहराई गई कि धरती का सबसे बड़ा सच दिखने लगी। अब बंदर इंसान के पुरखे निकले या ना निकले, लेकिन औरतों का लोभी होना तय माना जाता है। ऐसी सोच वालों की माने तो रानियां भी किसी पुरुष से इसलिए ही जुड़ती थी कि उनके खजाने में एक सिक्का और जुड़ सके। बीते दो चार दिनों के भीतर पूर्व मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन भी कथित तौर पर लालची स्त्री का ताजा तरीन नमूना बन चुकी हैं। अगर आप ट्विटर या खबरों की सुने या उनसे गुजरे ना हो तो हम बता दें कि आईपीएल के फाउंडर और बिजनेसमैन ललित मोदी ने हाल ही में एक ट्वीट किया था। सुष्मिता के बेहद करीब दिखती तस्वीरों के साथ ललित ने उन्हें अपनी बेटर हाफ बताया था। जाहिर है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। हालांकि प्राचीन कालीन रीति के मुताबिक हमारे यहाँ लोग शुरू हो गए मीम्स के जरिए भड़ास निकालते हुए। वो कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत औरत ने भी सब कुछ छोड़ दिया, आकर पैसों को चुना। दरअसल ललित सुष्मिता से 10 साल बड़े हैं। भारत सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। ऐसे में सोचने की बात है कि इतनी खूबसूरत और मिस यूनिवर्स की सबसे हसीन औरत रह चुकी, वो ये क्यों करेगी? सालाना करीब 9 करोड़ रुपए कमाने वाली एक्ट्रेस को भला कौन सी चीज की कमी पड़ी होगी जो वो भी लालची हो गई है? शायद उसके बंगले पर स्विमिंग पूल की चौड़ाई कम हो गई होगी, या सलाद में ऑलिव न जुट पा रहा हो, या कॉस्मेटिक सर्जरी का बिल ज्यादा आ गया हो, या क्या पता जंगल जंगल में मारी फिरने की नौबत आने पर उन्होंने ये मोहब्बत का ये तगड़ा प्लान बना लिया। ट्रोलर्स के पास शायद हजारों वजह जुट जाए जिससे कि वो कानों तक फैली मुस्कुराहट को, दमकते माथे वाले मिस यूनिवर्स को पैसे की लोभी यानी गोल्ड डिगर साबित कर दे। गोल्ड डिगर मोटा मोटी समझाएं तो गोल्ड डिगर के मायने वो शख्स है जो सोने की खुदाई में लगा रहता है। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में ये टर्म महिलाओं के हिस्से आ गई थी। वो महिलाएं जो पैसे, तोहफे या फिर जमीन बंगले के लिए मोहब्बत का दिखावा करती हैं। रैंडम हाउस हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ अमेरिकन स्लैंग में बिना लाग लपेट लिखा गया है, औरतें गोल्ड डिगर होती हैं। वो शादी के लिए रईस पुरुषों को तलाशती हैं ताकि अमीर लाइफस्टाइल जी सके। लेकिन ये सारी की सारी कवायद शादी की माला या अंगूठी पहनने तक ही होती है। असल में उन्हें दौलत चाहिए होती है ताकि वो मन मुताबिक लाइफस्टाइल जी सके। बता दें कि ज्यादातर पुरुष कम उम्र की लड़कियों का संग और साथ पसंद करते हैं, खासकर अधेड़ आयु वाले पुरुष जो 22 और 23 साल की युवतियों से आकर्षित होते हैं। लगभग 2500 पुरुषों पर स्कॉच होम यूनिवर्सिटी के ये स्टडी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपी थी। राजकुमार का इंतजार करती लोभी महिलाएं मानने की बजाय खुद को आईने में देखो, गहरी और कड़ी नजरों से देखो। क्यों ना अपने से कम उम्र की युवतियों की तरफ आकर्षित होने की बजाय हम बराबरी की साथिन चुने, वो जो बिल्स से लेकर बहस तक हमारे साथ खड़ी दिखे। और हर महिला कभी किसी अमीर पुरुष की तलाश में ही नहीं होती है। बाकी आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नजर जुड़े।